नगर परिषद अम्बेला कैंट के पुलिस के सहयोग से आज अम्बेला कैंट के बाजारों से किया गया अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कई दुकानदारों को अपना सामान हाथ के अंदर रखने की वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है, जबकि परिषद सचिव का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और आइंदा से जो भी अपना सामान बाहर रखेगा उसका सामान जब्त किया जाने के साथ साथ उसको नियमानुसार जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशल मुहिम है या आज या कल के लिए ही है, ये लगातार चलेगी। और जो अवैध अतिक्रमण है जिसकी वजह से कि हमारे बाजारों में ट्रैकिंग व्यवस्था का भी व्यवस्था होती है, ये नहीं होने दिया जाएगा और ये लगातार चलेगी। कंटिन्यू भी हो सकती है, रैंडमली भी हो सकती है और ये किसी भी बाजार से हम स्टार्ट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं सारे कैंट की करें, दो बाजार भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, तो ये अचानक चलेगा बाजारों में। देखिए क्या है, आज और कल व्यापारी भाइयों को या आम जन को जो देहात से या बाजारों में सामान खरीदने आते हैं उनको एक प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है या उनको समझाया जा रहा है कि ऐसा ना करें। अगर वो प्रशासन के बार बार कहने की भी इस तरह की कार्रवाई को या व्हीकलों को अवैध पार्किंग करेंगे तो जो भी कार्रवाई बनेगी उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर प्रशासन अम्बाला सदर अपना पुलिस प्रशासन के सहयोग से स्वयं SHO साहब श्री अपना जो नरेश कुमार जी सदर और अपना स्वयं नगर प्रशासन की टीम द्वारा और पुलिस प्रशासन जितनी भी यहाँ पे टीम है उस द्वारा आज ये संयुक्त अभियान चलाया गया है सभी बाजारों में। ये जो अपना जितना भी लोगों ने बाहर अपना सामान निकाल रखा है जिससे कि आपने आवाजमन में परेशानी होती थी और लोगों को भी जो अपना दिक्कत होती है, तो इस सभी अभियान को अपना सुचारू रूप से चलाया जा रहा है और लोगों से आज ये जो है कल जो अनाउंसमेंट भी करवाई गई और आज लोगों से एक किस्म के अनुरोध या उनको प्यार से समझाया गया है। अम्बाला से अंकुर कपूर की रिपोर्ट।